नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 12 अगस्त और 12 अगस्त से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे उनको करेंगे डिस्कस आज के इस वीडियो में। और देखिए फ्रेंड्स, मंथली और 8 मंथ की जो कंबाइंड पीडीएफ है करंट अफेयर की, इस पर इसमें भारी छूट चल रही है। तो ये पीडीएफ आपके लिए बड़े ही काम की है और आपकी परीक्षा निकट है तो आपका रिविजन अच्छे से होना चाहिए। बहुत ही कंपैटिबल फॉर्मेट में है ये, जहाँ पर भी आपको समय मिले आप बैठ कर रिविजन कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में जेम पोर्टल जेम पोर्टल से सबसे अधिक खरीद करने पर किस प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कर लेना इसे। और ये प्रदेश बन गया है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 4611 करोड़ रुपए की खरीद जेम पोर्टल से की गई। अपर मुख्य सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल ने 10 अगस्त को वर्चुअली यह पुरस्कार जेम की 5वीं वर्षगांठ पर सीआईआई के नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट 2021 के 2 दिवसीय कंक्लेव के समापन समारोह पर दिया गया। तो जेम पोर्टल क्या है, तो फ्रेंड्स जेम का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस, ठीक है याद रखना। और वाणिज्य और उद्योग मंत्री के द्वारा 9 अगस्त 2016 को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल का शुभारंभ किया गया, ठीक है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो सचिवों के 2 समूहों के अनुमोदन के आधार पर इस पोर्टल का गठन किया गया है और सामान्य वित्तीय संबंधी आवश्यक नियमों को परिवर्तित कर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर खरीदारी को अधिकृत किया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि जेम यानी कि जीईएम पोर्टल पर क्रय और विक्रय के लिए सभी प्रकार की छोटी और बड़ी वस्तुओं जैसे कि पेन, पेपर, कुर्सी, मेज, फर्नीचर आदि के लिए सरकार के द्वारा टेंडर जारी किए जाते हैं। पंजीकृत होने के बाद आपको ईमेल, फ़ोन या मैसेज के द्वारा टेंडर के विषय में जानकारी प्रदान की जाती है। इसके बाद आप अपने अनुसार टेंडर लेकर सरकार के साथ व्यवसाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी दुकान की भी आवश्यकता नहीं है। टेंडर प्राप्त करने के लिए आपको बोली लगाना होता है और आप ही के समान अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी बोली लगाई जाती है। जिस विक्रेता की बोली के दौरान वस्तु तथा सेवा के दाम कम होते हैं सरकार के द्वारा उसे टेंडर प्रदान कर दिया जाता है, तथा अब सभी सरकारी विभागों में खरीदारी के लिए मात्र यह पोर्टल ही माध्यम है, इसके बिना खरीदारी संभव नहीं है। तो आपने देखा होगा कि जो सड़कें बनती हैं या फिर कोई बड़ी खरीदारी होती है तो उसके लिए जो टेंडर, जिसको आप बोलते हो ना ठेका, ठीक है, तो वही चीज़ से संबंधित है ये। और इस पोर्टल के जरिए सरकारी विभाग कम से कम 50,000 रुपये तक की खरीदारी कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना कि ये जो पुरस्कार दिया गया जेम पोर्टल से सबसे अधिक खरीद करने पर प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है वो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश ने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट को समाप्त कर दिया है, इनर लाइन परमिट। तो फ्रेंड्स इसको समाप्त कर दिया गया है कहाँ पर, लद्दाख में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो पहले भारतीय और स्थानीय लोगों को लद्दाख में कहीं आने जाने के लिए इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होती थी, जिसे अब हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, लद्दाख की स्थापना कब हुई थी, तो लद्दाख की स्थापना की गई है यूनियन टेरिटरी के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को। इसकी 2 राजधानियाँ हैं, एक तो लेह है, दूसरा कारगिल है। मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ पर पंकज मित्तल। याद रखना जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो हाईकोर्ट है वो एक ही है, और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का जो नाम था उसे रीनेम कर दिया गया। क्या नाम किया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट। तो लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनका नाम है राधा कृष्ण माथुर, आर के माथुर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखना ये लद्दाख ही है। और एयरपोर्ट का नाम क्या है, तो ये है कौशोक बुखला रिमपोचे एयरपोर्ट। अब नाम थोड़ा सा यहाँ पर आप पढ़ लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बताओ कि विश्व शेर दिवस कब मनाया गया, व्हेन वाज वर्ल्ड लैंड डे सेलिब्रेटेड। तो फ्रेंड्स ये भी मनाया गया था कब, 10 अगस्त को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है, 2013। तो कोई भी ऐसा दिवस अगर होता है, विश्व शेर दिवस, विश्व बाघ दिवस, इसका मतलब होता है विश्व हाथी दिवस, तो इसका मतलब होता है कि वो जो अमुक प्रजाति है उसके संरक्षण के लिए ही यह दिवस मनाया जाता है। तो पूरी दुनिया में शेरों की जो प्रजातियां हैं उसको संरक्षित करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह दिवस 2013 से मनाया जा रहा है। और 2021 में इसकी थीम क्या है, स्लो एलिमिनेशन ऑफ द अफ्रीकन लायन, स्लो एलिमिनेशन ऑफ द अफ्रीकन लायन।
ई नगर मोबाइल ऐप को किस प्रदेश ने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, ई नगर मोबाइल ऐप इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है गुजरात के द्वारा। नागरिक सेवा से संबंधित समस्त सेवाओं को गुजरात के नागरिकों को आसानी से घर बैठे उपलब्ध कराने के लिए ई नगर मोबाइल ऐप को मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने लॉन्च किया है। तो ये तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना कि ई नगर मोबाइल ऐप में कुल 52 सेवाएँ और 10 मॉड्यूल शामिल हैं। अभी मैं आपका यहाँ पर एक रिवीजन करवा देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ई नगर मोबाइल ऐप ये तो लॉन्च किया गया गुजरात के द्वारा। ये बताओ कि ई नायरा ये जो डिजिटल करेंसी है ये किस देश ने लॉन्च करी है? तो याद रखना कि ई नायरा नामक जो डिजिटल करेंसी है इसे नाइजीरिया ने लॉन्च किया है, ठीक है। और जन सहायक आपका सहायक नामक एक मोबाइल ऐप अभी आया था। जन सहायक आपका सहायक नामक जो मोबाइल ऐप था इसे हरियाणा ने लॉन्च किया था। अच्छा, ये बताओ कि आकांक्षा पोर्टल जो था इसे किसने लॉन्च किया था? तो ये पोर्टल कर्नाटक ने लॉन्च किया था। अमृत वाहिनी नामक एक शुरुआत की गई है, कहाँ पर? ये झारखंड में की गई है। और एक ऐप और आया था, हिट कोविड ऐप, हिट, तो ये ऐप बनाया गया था कहाँ पर? बिहार सरकार के द्वारा। हिट का मतलब यहाँ पर है होम आइसोलेशन ट्रैकिंग, ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि मोमा मोबाइल एप्लीकेशन को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? मोमा, तो ये लॉन्च किया गया है मणिपुर में, ठीक है। तो ये इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? अब ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला जो पहला राज्य बना है वो बन गया है कर्नाटक। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और कर्नाटक के जो सीएम है वो भी बदल गए हैं, जो गवर्नर है वो भी बदल गए हैं। तो इनके नाम क्या हैं? आपको बता दें कि कर्नाटक के जो नए राज्यपाल बने हैं उनका नाम है थावरचंद गहलोत, और मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। याद रहे कि कर्नाटक जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और कर्नाटक सरकार वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 से ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने जा रही है, जिसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। किस खिलाड़ी के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा? भाला फेंक दिवस, जेवलिन थ्रोइंग डे। तो फ्रेंड्स, निश्चित रूप से इसका उत्तर आपको पता होगा, और ये उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि नीरज चोपड़ा के सम्मान में। तो जैसा कि आप जानते हो, नीरज चोपड़ा ने अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक को जीता था। आपको बता दें कि 2016 साउथ एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल ही जीता था, और 2016 में जो IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल उन्होंने जीत दिया था। वर्तमान में इनकी जो आयु है वो 23 वर्ष है, ठीक है, तो बहुत ही कम आयु के हैं ये। 2017 में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में भी उन्होंने गोल्ड जीता था, और 2018 एशियन गेम्स में भी उन्होंने गोल्ड ही जीता था। और भारतीय सेना में जूनियर कमीशन अधिकारी के तौर पर वो काम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा की मौजूदगी में एक बड़ी बड़ी घोषणा की है कि अब से 7 अगस्त का जो दिन होगा वो पूरे भारत में भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है, याद रखना इसको। ये बताओ कि विश्व जैव ईंधन दिवस यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ये कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, याद रखना कि यह भी हाल ही में मनाया गया था 10 अगस्त को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो विश्व जैव ईंधन दिवस पहली बार कब मनाया गया? 2015 में पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के द्वारा। अच्छा, ये बताओ कि पेट्रोलियम और गैस मंत्री कौन है? तो ये हैं हरदीप सिंह पुरी। तो अगस्त माह के अब तक कुल जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं, आइए उसका रिविजन कर लेते हैं। तो 1 अगस्त को मनाया गया था मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, और 1 से लेकर 7 अगस्त तक यानी कि अगस्त माह का जो पहला सप्ताह रहा वो मनाया गया विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में, जिसकी थीम रखी गई थी प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 3 अगस्त को मनाया गया हृदय प्रत्यारोपण दिवस, और आपको याद होगा 1994 में भारत में पहली बार सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था 3 अगस्त 1994 को डॉक्टर पी गोपालन की अगुवाई में। 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस, और 8 अगस्त को मनाया गया अगस्त क्रांति दिवस। 9 अगस्त को मनाया गया नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस, और अब 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस। ये 2 दिवस हो गए। आगे के जो डेज आते रहेंगे उसका रिविजन भी हम लोग करते रहेंगे। ये बताओ कि एंथ्रेक्स निमोनिया का कारण क्या होता है? वायरस, बैक्टीरिया, कवक या फिर कुछ और? सही आंसर इसका होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर बैक्टीरिया होता है एंथ्रेक्स निमोनिया का कारण। तो याद रखना कि अभी हाल ही में खबर आई है कि चीन के हेबेई प्रांत के चेंगदे शहर में एंथ्रेक्स निमोनिया से एक व्यक्ति पीड़ित पाया गया है। एंथ्रेक्स एक कम पाई जाने वाली लेकिन गंभीर बीमारी है जो वैसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है।
बीमार जानवरों के संपर्क में आने पर ये जो बैक्टीरिया होता है वो इंसानों तक तो पहुंच जाता है और ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी होती है। ठीक है, तो इसका जो पहला मरीज है इस वर्ष 2021 में वो भी चीन में ही पाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार भारत में छह रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस टीबी के कितने प्रतिशत मामले 15 वर्ष लेकर 45 वर्ग जो 45 वर्ष के लोग हैं मतलब 15 से 45 वर्ष के लोगों के बीच में ही पाया जाता है तो यह 65% है। तो याद रखना कि भारत में जो टीबी के मामले पाए जाते हैं उसका 65% यह 15 साल से 45 साल के बीच में ही पाया जाता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि भारत में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो पहले यह था 2030 तक, लेकिन अब इसे घटाकर कर दिया गया है 2025 तक। अच्छा मलेरिया कब तक किया जाएगा समाप्त? तो देखो मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य है वो 2030 ही है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि 2027 तक फिर कोई भी मामला आपको भारत में ना मिले मलेरिया से संबंधित। और आपको ये भी याद होगा कि अभी हाल ही में WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया है। और आगे बढ़ते हैं तो ये भी याद रखना कि जो 65% मामले पाए जाते हैं टीबी के उसमें आधे से अधिक यानी कि 58% जो मामले होते हैं ये ग्रामीणों में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोपाल भेंगरा जिनका हाल ही में निधन हो गया है 75 ईयर के थे ये, तो किस खेल से संबंधित थे? अब ये तस्वीर यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर है। क्यों? क्योंकि ये हैं गोपाल भेंगरा। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये झारखंड के रहने वाले थे, झारखंड के खूंटी जिले में रहते थे और ये एक जानने माने अपने समय के हॉकी प्लेयर थे। फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि इनका जो अंतिम समय रहा उस समय ये खेती किसानी करते थे और 15,000 रुपये प्रति माह इनको जो है सुनील गावस्कर जी भेजते थे। उसके पहले ये मात्र 1,000 रुपये पर अपने ही खूंटी जनपद के किसी स्थान पर ये हॉकी की कोचिंग दिया करते थे। मतलब इनका जो अंतिम समय रहा बहुत ही दर्दनाक बीता है और अब ये नाम जो है निश्चित रूप से परीक्षाओं में महत्वपूर्ण बन जाएगा, लेकिन जब तक ये जीवित रहे इनका मतलब इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। तो एक वक्त ऐसा भी था जब गोपाल भेंगरा का परिवार बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा था। अपने परिवार को चलाने के लिए इस दिग्गज को पत्थर तोड़ने का काम भी करना पड़ा और ये खबर जब अखबार में छपी तो सुनील गावस्कर को इसके बारे में पता चला। फिर उन्होंने हर महीने 15,000 रुपये इनके परिवार को भेजे थे। तो सुनील गावस्कर जी का ये काम वाकई सराहनीय है, इसके लिए मैं सुनील गावस्कर जी को नमन करता हूँ। लेकिन जो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कभी हमारी नाक रखी थी उनके साथ अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से सरकार जो करती है वो करती है, लेकिन हमारा भी कुछ नैतिक कर्तव्य होता है। ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व गेंदबाज को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच बनाया गया है? ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व गेंदबाज को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच बनाया गया है? तो ये बन गए हैं शॉन टेट। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। शॉन को द वाइल्ड थिंग के उपनाम से भी जाना जाता है और वो दुनिया के तेज गेंदबाजों में शुमार होते हैं। अब यहाँ पर दो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। और ये है कि ICC ने ये कहा है कि वह लॉस एंजलिस के 2028 के ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने के लिए अपना दावा पेश करेगा। आपको याद होगा कि ओलंपिक गेम में से अब तक यानी कि इसकी जब से शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक कुल 40 गेम बाहर हो चुके हैं, उसमें क्रिकेट भी शामिल है। लेकिन पेरिस में जो होगा, नहीं पेरिस में तो 2024 में होगा, तो 2024 में भी एक परिवर्तन हो सकता है। और परिवर्तन क्या है इसमें? देखो मुक्केबाजी और वेटलिफ्टिंग को बाहर करने की बात चल रही है, ठीक है, और 2028 में क्रिकेट को अंदर करने की बात चल रही है। तो दोनों पॉइंट यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये बताओ कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर होगा? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 का आयोजन होगा कहाँ पर? अमेरिका में। अभी देखो इसका आयोजन 2021 में ही होना था अमेरिका में, लेकिन अब जो ओलंपिक गेम थे जो कि 2020 में होने थे वो होने लग गए 2021 में, तो ये जो गेम था इसको एक साल आगे बढ़ा दिया गया। अब ये जो गेम होगा ये 2022 में 15 से 24 जुलाई के बीच में होगा, ठीक है। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 का आयोजन इसी वर्ष अमेरिका के EUGN में होना था, लेकिन कोरोना के कारण ओलंपिक गेम को एक साल जब टाला गया तो ये गेम भी एक साल के लिए टाल दिया गया है और अब इसे 2022 में अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। और फ्रेंड्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 217 की। तो कल प्रश्न ये पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया के कौन से गेंदबाज T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू पर हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो इनका नाम है नाथन एलिस, ऑप्शन बी। तो ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नाथन एलिस को पहली बार T20 इंटरनेशनल में डेब्यू का मौका मिला था और उन्होंने अपने पहले ही इंटरनेशनल मैच में हैट्रिक लेकर धमाकेदार एंट्री की। T20 क्रिकेट इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी गेंदबाज ने
अपने डेब्यू मैच में ही हैट्रिक अपने नाम की हो, लेकिन कंगारू टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ 10 रन से मैच हारकर अपने इस युवा गेंदबाज की खुशियों को थोड़ा सा फीका जरूर कर दिया। और ये रहा आज का प्रश्न, बताओ कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है। तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर आपको जरूर देना है। और देखिए फ्रेंड्स, अब वीडियो में पर समाप्त करते हैं, लेकिन आपको याद दिला दें कि अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच सोशल मीडिया पर इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको जो कंबाइंड पीडीएफ दे दी गई है उसको अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है डायरेक्ट लिंक, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, पूरे 8 महीने का जो संपूर्ण करंट अफेयर है उस पर भारी छूट चल रही है, तो इस करंट अफेयर को अगर आप डाउनलोड करेंगे तो निश्चित रूप से आप फायदे में रहेंगे। डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। तो शीघ्र मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।